हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं, कहीं भी छत पे बालकनी में, तो आप अपने गार्डन में 5 पौधा अवश्य लगाएं। जैसे हम शुरुआत करते हूँ शमी से। शमी का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण है। शमी का देखिए, ये शनि देव का पौधा है, शनि देव के प्रकोप से हमें बचाता है। इसे पूजा में भी इसके पत्तियाँ हमें यूज करने को मिलती है, तो अपने गार्डन में शमी का पौधा ज़रूर लगाएं। दूसरा ये देखिए गुड़हल, इसे मैं बहुत तरह के वैरायटी में लगाई हूँ। जब नवरात्रि में बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं, ये बहुत समय नहीं भी मिलते हैं, तो हमारे घरों में आसानी से मिल जाती है। देखिए कितने सारे वैरायटी के मैंने लगाया है। ये सब छोटे सा कंटेनर में भी हो जाते हैं। देखिए छोटे छोटे कंटेनर में मैंने लगाया है। कितने सारे फूल, हमेशा प्रतिदिन हमें पूजे के लिए फूल यहीं से मिल जाता है, तो आप गुड़हल का पौधा ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। तीसरा ये तुलसी। तुलसी तो हर एक घर में होना ही चाहिए। ये औषधीय पौधा भी है, हमें डेली पूजन के लिए भी घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। देखिए मैंने छोटे छोटे ग्रो बैग में बहुत सारे पौधे लगा के रखती हूँ। ये हमारा ठंडियों के दिनों में हमें काढ़ा वगैरह बनाने में काम आता है। पूजा के लिए अलग मैं रखती हूँ गमलों में। तो तुलसी का पौधा भी अपने घरों में ज़रूर लगाएं। और सबसे बड़ी बात है कि इसे एक बार लगा देंगे तो हमेशा जो ये जो फूल आते हैं, मांजर आते हैं, उसे गमलों में गिरते हैं, तो हमेशा नया पौधा अपने आप उग जाते हैं। अगर एक बार लगाएंगे तो आपका हमेशा पौधा नए के नए तैयार होते रहेंगे। कभी आपको पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बीज गिरते हैं, नया पौधे उग जाते हैं। ये हम चौथा जो दिखा रहे हैं, चौथा पौधा ये है एलोवेरा। इसे भी लगाना बहुत ही आसान है। एक बार आप लगा दीजिए, देखिए कितने सारे ब्रांच इससे निकलते रहते हैं। इसे आप अलग कंटेनर में गमले में लगा सकते हैं। इसे आप बहुत ही आसानी से, और ये सौंदर्य के लिए अपने चेहरे पर कहीं भी आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही ये बालों में और आयुर्वेद के दृष्टि में ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है। इसे अपने घरों में ज़रूर लगाएं। इसे लगाना बहुत ही आसान है। एक बार लगा देंगे, हमेशा अपने आप पौधा ग्रो करते रहेगा। देखिए कितने सारे ब्रांच निकले हैं। और इससे नीचे का जो पुरानी पत्ती है, इसे आप धीरे धीरे कट करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बालों में भी लगा सकते हैं। बहुत ही ये काम का पौधा है। इसे आप गार्डन में ज़रूर लगाएं। और ये पांचवा पौधा मनी प्लांट है। ये घर का शुभ पौधा माना जाता है, लक्ष्मी का प्रतीक। इसे आप अपने घरों में ज़रूर लगाएं। मैंने अभी अभी छोटे छोटे कंटेनर में लगाया है। इसे लगाना बहुत ही आसान है। इसे कटिंग से लगाया जाता है। इसे देखिए इस तरह का जो ब्रांच निकलते हैं, इसी को कट करके आप लगा सकते हैं। इससे आपका घर के खूबसूरती भी बढ़ेगी और सुख शांति बनी रहती है घरों में। तो ये मनी प्लांट भी अपने घरों में बालकनी में ज़रूर लगाएं। तो आप भी अगर गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये 5 पौधों से शुरुआत कर सकते हैं। ये पौधे लगाना बहुत ही आसान है। ना ये सूखते हैं, ना सड़ते हैं, ना गलते हैं। देखिए मैंने बहुत सारे पौधा लगा रखा है। तो आप 5 पौधों से शुरुआत करिए।
मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं। देखिए कितना खूबसूरत फूल खिल रहा है। ये मैंने देखिए रजनीगंधा का पौधा लगाया है, एक ब्रांच से बहुत सारे ब्रांच लगाए हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।